सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश समाज में काम करते हैं, इस नए शिक्षा नीति का सहृदय से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं रामनिवास सेन, सामाजिक कार्यकर्ता जोठोड़ा। नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी दी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। यह नई नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। NEP 2020 स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ का मुख्य धारा में वापस लाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। NEP में को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया था।